दर्जनों विक्टिम्स जिनमें नाबालिग भी शामिल हैं, उनको ब्लैकमेल करके उनसे सेक्सुअल वीडियोस बनवाई। विक्टिम्स के पर्सनल इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल करके उनसे वीडियोस बनाए गए। चाकू छुरी चलाना बहुत आसान है, कलम चलाना उससे कहीं ज्यादा मुश्किल है। तूने कहा तूने किसी को देखा? हम सच में कुछ नहीं जानते। फिल्म फ्लॉप, क्या है फिल्म के जबरदस्त हिट होने के चांसेस? हेलो दोस्तों, मैं हूँ स्प्रिया, मैं हूँ आज के लिए आपकी होस्ट और दोस्त। आज खबर लेकर आई हूँ बजरंगी भाईजान 2 के बारे में। माना कि हमारा बॉलीवुड हमारे तीनों खान्स के लिए फेमस है, लेकिन उनमें से सलमान खान का फैन बेस थोड़ा ज्यादा हटके है। फैन का इनके लिए प्यार अनलिमिटेड है, चाहे फिर वो दबंग फिल्म में पांडे जी हो, या फिर एक था टाइगर फिल्म का टाइगर, या फिर रेड्डी फिल्म का प्रेम, या फिर बजरंगी भाईजान का इनोसेंट पवन। हमारे सलमान खान ने हर कैरेक्टर को मानो इररिप्लेसेबल बना दिया है अपने एक्टिंग स्किल से। क्यों, सही कहा ना मैंने भाई? बाजार में निकलते ही ऑटो के बैक साइड में या फिर सैलून की शॉप के बैनर पर नजर आ जाते हैं, हर तरफ बस सलमान खान ही दिखाई देते हैं। इसी से फैंस का उनके लिए प्यार नजर आता है। बात करें उनकी फिल्म्स की, तो इसमें कोई शक नहीं कि उनकी फिल्म्स बैक टू बैक हिट होती ही रहती है। उनकी रीसेंट सभी फिल्म बैक टू बैक सुपरहिट थी। दबंग, रेडी, बॉडीगार्ड, एक था टाइगर, दबंग 2, जय हो एंड किक, सभी मूवीज ने बैक टू बैक रिकॉर्ड बनाए। और बजरंगी भाईजान का तो क्या ही कहना, बॉलीवुड के कई एक्टर्स ने तक थिएटर में जाकर फिल्म को देखना पसंद किया और भर भर के सलमान की तारीफ करते नजर आए मीडिया के सामने। माना जाता है कि बजरंगी भाईजान सलमान खान के करियर की आफ्टर तेरे नाम सबसे बेस्टेस्ट मूवी है, जिसमें एक्शन सीन से हटकर सलमान ने कैरेक्टर प्ले किया है और उसे इररिप्लेसेबल बनाया है। अब पब्लिक प्यार करती है, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि सलमान कोई भी मूवी साइन करेंगे और वो हिट हो जाएगी। उसकी स्टोरी लाइन कुछ हटके होनी चाहिए, कैरेक्टर्स भी हटके होने चाहिए, कुछ ऐसा अवतार या किरदार होना चाहिए जो फैंस को अपने भाईजान का और भी ज्यादा दीवाना बना दे। लेकिन बजरंगी भाईजान के ब्लॉकबस्टर होने के बाद सलमान खान ने ट्यूबलाइट फिल्म साइन की, जिसमें कि उनका कैरेक्टर काइंड ऑफ सेम था जो उन्होंने प्ले किया बजरंगी भाईजान में। दोनों ही फिल्म्स में कैरेक्टर इनोसेंट ही थे, दोनों फिल्म्स नो एक्शन सीन्स वाली थी, दोनों ही काफी इमोशनल थी, लेकिन बजरंगी भाईजान एक एक्सपेरिमेंट था फैंस के साथ, और ट्यूबलाइट को हम एक्सपेरिमेंट नहीं बोल सकते। वो काइंड ऑफ ट्रायल था कि सलमान खान का इनोसेंट कैरेक्टर कितने फिल्म्स तक हिट जाता है, लेकिन ट्यूबलाइट में वो पूरी तरह से फेल होता नजर आ गया। क्योंकि ट्यूबलाइट बजरंगी भाईजान मूवी के 2 साल बाद रिलीज हुई थी, यानी बजरंगी भाईजान के बाद ट्यूबलाइट मूवी ही रिलीज हुई थी सलमान खान की। तो सलमान खान के फैंस कहीं ना कहीं थोड़ा बोर हो गए थे सेम कॉन्सेप्ट 2 बार देखने के बाद, और जिसके कारण फिल्म टोटली फ्लॉप जाती नजर आई। वो कहते हैं ना कि किसी को उंगली देकर अगर सहारा देने की कोशिश करी जाए तो वो धीरे धीरे गला पकड़ लेता है, बस कुछ उसी तरह का हुआ इस मूवी के साथ भी। लेकिन बात करें उनकी आने वाली फिल्म जो बजरंगी भाईजान का सीक्वल होने वाली है, वो वाकई में काफ़ी लाजवाब होने वाली है। दरअसल इस फिल्म का सेकेंड पार्ट बहुत पहले ही आना चाहिए था, लेकिन आ नहीं सका क्योंकि फिल्म के राइटर जो कि वीके विजयेंद्र है, वो बाहुबली की स्क्रिप्ट पर काम कर रहे थे। और जाहिर सी बात है, फिल्म के राइटर ही इतने बेहतरीन लिखते हैं कि बजरंगी भाईजान 2 हिट तो होगी ही। और इस फिल्म का बजट भी कुछ ज्यादा नहीं होगा, क्योंकि फिल्म में कोई एक्शन सीन्स या फिर ड्रास्टिक लोकेशंस नहीं है दोस्तों। तो आप हमें बताइए कि आप कितने एक्साइटेड हैं बजरंगी भाईजान 2 के लिए, हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय बताइएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और फिल्मी दुनिया से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल बॉलीग्राड स्टूडियोज को।